ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी देती हूँ। करंट एनर्जी में जो है डिवाइन फेमिनिन रनर बन चुकी है और एडवांस लेवल के रनर, मतलब जैसे पीछे मुड़ के देखने के लिए भी तैयार नहीं है ऐसे। और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उसको बुरी तरह से चेज कर रहे हैं मन ही मन में अभी, मतलब हो सकता है उसको फॉलो कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, कहीं उसकी इमेज देख रहे हो, कुछ भी उनके लेवल पर वो जो भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी भी उनके डिवाइन मैस्कुलाइन स्टक हो, बात नहीं कर पा रहे हो, बट बुरी तरह से चेज ज़रूर कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन फियर की एनर्जी में है क्योंकि उनको लग रहा है डिवाइन फेमिनिन हाथ से चली गई। और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है कि उनको अब ऐसे, मतलब जितने हो सके दोस्त, घर वाले, वो सिर्फ सारे रिश्तों को काट रही है, छोड़ रही है, एक एक धागा जैसे निकाल के फेंक रही है, कॉर्ड कटिंग कर रही है सारे ही रिश्तों से, जो भी उनको सर्व नहीं करते, जो भी उनके लायक नहीं है वो वहाँ से कट ऑफ हो रही है। और वो एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही हाई और बेस्ट एनर्जी में है। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ना उस डीएम में फ़िलहाल की एनर्जियों के। और बहुत पीसफुल है, अच्छी नींद उनको आ रही है। अब उनको जो है एनर्जी इतनी भर गई है उनके अंदर कि उनको कमी ही महसूस नहीं हो रही किसी भी चीज़ की, जो है कमी ही महसूस नहीं हो रही कि मुझे क्यों चाहिए मैस्कुलाइन एनर्जी। वो खुद अपने आप से पूछ रही है कि मुझे क्यों चाहिए, मुझे नीड ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको ऐसे बोझ सा लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, उनको ऐसे बोझ सा लग रहा है कि वाय मैं इसको क्यों कैरी कर रही हूँ, क्या मुझे सच में ज़रूरत है इस चीज़ की, क्या मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी पार्टनर की ज़रूरत है, नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ। तो ऐसे थोड़ी ज़्यादा ही एनर्जी चल रही है, मतलब डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही कम्प्लीशन फील हो रहा है। उनकी एनर्जी इतनी मस्त है कि उनको इतना अच्छा कम्प्लीशन फील हो रहा है। तो ये जो है जो एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं ट्विन फ्लेम्स, तो वहाँ पे जो है उनको एहसास हो रहा है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको पीछे खींच रहा है, उसकी एनर्जी जो है पीछे खींच रहे हैं क्योंकि वो मिसिंग एनर्जी है, वो उनको जो है फॉलो कर रहा है किसी भी वे में, ऐसा नहीं कि फिजिकल वे में सामने आके फॉलो कर रहा है, मन ही मन वो उसको जो है फॉलो कर रहा है, जिससे जो है डिवाइन फेमिनिन डिस्टर्ब हो रही है। उनको लग रहा है कि क्यों, व्हाई आई एम डीलिंग विद दिस एनर्जी, मुझे इस एनर्जी की क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो जब जब डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलाइन की एनर्जी फील हो रही है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसको लग रहा है कि क्यों ये मुझे, क्यों इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, जबकि मैं जो हूँ एकदम कम्प्लीट हूँ, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और सेल्फ लव बहुत डेवलप हो चुका है, इतना कि वो सबको गाइड करती है कि सेल्फ लव में रहो। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, थोड़ा सा दुख होता है मुझे कि वो किसी भी जर्नी को जो है ट्विन फ्लेम जर्नी समझ बैठते हैं। देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है विकास होता है, फेमिनिन का जो है विकास होता है, वो सारे उन गलत रिश्तों से कट ऑफ करके, इवन फ्रेंड भी नहीं रहते, जो पहले फ्रेंड उनका दिमाग खाया करते थे, अब वो फ्रेंड भी वो छोड़ चुकी है, वो जो डिज़र्व नहीं करते, उनके प्यार को डिज़र्व नहीं करते, उन सारे फ्रेंड्स को उन्होंने एकदम से लात मार दी है। और तब से उनकी ग्रोथ शुरू हो गई, जब से ये फ्रेंड्स कट हो गए जो कि मन ही मन में इनका बुरा सोचते थे, और ऊपर से ये बस दिए जा रही थी, बट कभी कोई अच्छा रिटर्न, कभी कोई ब्लेसिंग या कभी कुछ अच्छा जो है वो फ्रेंड से इनको मिलता नहीं था। जब से उन्होंने ऐसे फ्रेंड्स को छोड़ा है उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो कोई भी गलत रिश्ता जिसमें आप एनर्जी देते हो
जो कि किसी को भी एनर्जी देते हो तो आप खुद लॉस्ट हो जाते हो, आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपका सौभाग्य आप दूसरों को दे देते हो, तो ये ठीक नहीं है। तो खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और जो है खुद का ध्यान रखिए। कॉर्ड कटिंग हमेशा करते रहिए और कॉर्ड कटिंग के सेशंस कुछ ही दिनों में मैं बनाने वाली हूँ, जो है गूगल लिंक के ज़रिए ये लिए जाएंगे और 150 रुपये पर हेड इसकी फ़ीस रहेगी। इसके लिए तैयार रहिए आप, जल्दी ही कॉर्ड कटिंग के सेशंस आने वाले हैं। और दो चार चार पांच या बीच बीच में कॉर्ड कटिंग करती रहनी चाहिए कि बहुत सी कॉर्ड कट करने के बाद भी जो वैम्पायर एनर्जी होती है अलग अलग तरीके से फिर से आपसे जो है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, ड्रीम के थ्रू या किसी भी के थ्रू। जो कार्मिक है मैंने देखा कि अब उसको रियलाइज़ हो रहा है, भले वो नहीं बोल रहा है लेकिन उसकी एनर्जी जो है रियलाइजेशन की है, तो वो इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर आपको खींचने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपकी कुछ यादें हो तो उसको फिर से वो उजागर करने की कोशिश कर रहा है एनर्जेटिक लेवल पर, तो जिसकी वजह से हो सकता है आप उसको मिस करो। लेकिन डिवाइन फेमिनिन अब बहुत, मतलब वो भोली नहीं है, अब वो सारे लेसन ले चुकी है, वो समझ चुकी है कि ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ लव जानता है, दूसरों को लव देना नहीं जानता। तो कुछ ऐसे जो उनके पुराने फ्रेंड्स हुआ करते थे उनसे भी अब वो कट ऑफ कर रही है, जो मतलब कर चुकी है फिर भी जो है ड्रीम्स में वो जो है वो फ्रेंड्स आती है। और किसी की भी चुगलियाँ करना, मतलब चुगली नहीं कि उनको किसी से तकलीफ़ है, फैमिली मेम्बर्स है या किसी से भी, तो वो उनको अभी भी ड्रीम में जो है बताती है। तो इस तरह से जो है एनर्जी वैम्पायर जिसको बोलते हैं ना, एनर्जी खींचते हैं आपकी, क्योंकि आपने 3D ने उनसे कट ऑफ कर लिया है, तो अब वो जो है सोल लेवल पर, ड्रीम लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर जो है आपको अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से एनर्जी खींच रहे हैं। तो बहुत ही अलर्ट रहिए ऐसे लोगों से, बिल्कुल भी आपको उस जोन में नहीं जाना है जहाँ पे बस कोई ऐसा इंसान होता है या कोई फ्रेंड या दोस्त जो लगातार आपको जो है अपना दुख सुनाते जाते हैं और आप जो हो उस पर कुछ उपाय बताओ तो वो फॉलो नहीं करते, बस वो आपको सुनाना चाहते हैं, मतलब मैं कितनी दुखी हूँ या मेरे घर वाले ऐसे हैं, वो है, बस बस वो सुनाते ही जाते हैं। कोई भी प्रोग्रेस, कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं सुनाते। तो इसीलिए जो है इनको बिल्कुल साइड में कर दीजिए, इनको अपनी एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि सालों साल आप ऐसे लोगों को एनर्जी दे चुके हो और बर्बाद हो चुके हैं। जब तक आप ऐसे लोगों को एनर्जी दोगे तो आपका विकास नहीं हो सकता। ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, कि किसी का दुख समझना एम्पैथ के लक्षण होते हैं, लेकिन वैम्पायर्स को भी पहचानना चाहिए कि कौन सचमुच दुखी है और कौन जो है सिर्फ आपकी एनर्जी खींचना चाहता है, बस दुख बता बता कर। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी 7 चक्रों पर और कुंडली अवेकनिंग पर आधारित है, तो रेकी थेरेपी जो है वो भी 7 चक्रों पर और कुंडली अवेकनिंग पर आधारित है, जो रिजल्ट 40-40 साल की तपस्या के बाद संत महात्माओं को मिलते हैं, वो रिजल्ट रेकी में कुछ ही दिन में मिल जाते हैं, जिससे आपकी ये जर्नी जो है बहुत ही एडवांस हो जाती है। क्योंकि लोगों को अपने इनर वर्क बेचने हैं, इसलिए वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे रेकी के लिए अच्छा, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक निगेटिव एनर्जी को पता होता है कि अगर सही माध्यम पे आप चले जाते हो तो आपका काम फट से हो जाएगा, इसीलिए आपको आलतू फालतू इनर वर्क में फंसा दिया जाता है। जबकि रेकी ही सिस्टमैटिक इनर वर्क है, थोड़ा सा प्राणायाम, रेकी और अच्छे बुक्स पढ़ना, मंत्र साधना, इसमें इस जर्नी में आपकी बहुत मदद कर सकती है। उससे भी ज़्यादा जो ऑरा क्लीनिंग का मेरा वीडियो है वो देखिए, ऑरा क्लीनिंग से जो है बॉडी का पूरा पेन, मानसिक शारीरिक पेन, जो भी नेगेटिविटी चिपकी हुई है, कुछ काली चीज़ें या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है जिससे आपका ऑरा कमज़ोर बनाया जा रहा है, तो आप ऑरा क्लीनिंग कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
तो रेकी में ऑरा को कैसे क्लीन करते हैं, ऑरा को कैसे चार्ज करते हैं, 7 को चक्रों को कैसे एक्टिवेट करते हैं, और आपको एक दिव्य दृष्टि दी जाती है रेकी में, जिससे आप खुद ही समझने लगते हो कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके साथ चीटिंग कर रहा है, कौन सही है। तो जिसकी वजह से जो है बुरी शक्तियाँ बहुत डर जाती है इस रेकी से, और वो चाहती है कि कभी भी आप रेकी मत सीखो, किसी भी तरह से आपको वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगी। जबकि आप देखोगे कि जितने भी डिवाइन फेमिनाइन से उनके चैनल पर देखिए, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेकी वगैरह शैमलिंग या जो भी हीलिंग थेरेपी है उसका बहुत इम्पोर्टेंस बताया जाता है। और सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत ही सस्ते में रख रही हूँ मैं, 150 में, गूगल मीटिंग पे ये चलेगा, तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। जितने हो सके उतने सब्जेक्ट में कवर करूँगी सबकॉन्शियस हीलिंग के, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे खुद भगवान ने जो है सबकॉन्शियस हीलिंग दी, जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि सच मुझे कितना इम्पोर्टेंट है। पितरों की एंसेस्टर की हीलिंग अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी आपकी सारे मनोकामनाएं पूरी होती है। एंसेस्टर रोक के रखते हैं आपकी शादी ब्याह जॉब सब कुछ, आपका विकास ग्रोथ रोक के रखते हैं। जब तक आप उनकी शांति नहीं करते, उनके लिए दिल से प्रेयर्स नहीं करते ईश्वर के पास कि उनको शांति मिले, तब तक जो है आपके सारे काम रुके रहते हैं। और देखिए काल भैरव मंत्र जो है, कोई बोलता है कि मैं दूसरा मंत्र क्यों करूँ, देखो इन भगवान के अलग अलग रूप है। जैसे गणेश को पुत्र के रूप में देखिए, श्री कृष्ण को प्रेमी के रूप में देखिए, उसी तरह से काल भैरव जो है संरक्षक के रूप में है। हमारे बॉर्डर पे होते हैं ना, वैसे वो हमारे ऑरा को, घर को, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। उनसे आर्केंजल से प्रोटेक्शन मांगिए, रेकी सीखिए, अकल्ट साइंस ही जो है आपको इस जर्नी में मदद कर सकता है। रेकी, क्रिस्टल रेकी, एंजल थेरेपी, टैरो कार्ड रीडिंग, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, मेरे पास सब अवेलेबल है। मैं खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी सिखाती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दूंगी, अगर आपको मुझसे रेकी सीखना है, एंजल थेरेपी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल रेकी या ट्विन फ्लेम जर्नी का कन्फर्मेशन कराना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।